अफगानिस्तान में तालिबानियों के सत्ता में काबिज होने के बाद अफगानिस्तान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। हर तरफ बस हाहाकार, खून खराबा, हैवानियत और क्रूरता कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अफगानिस्तान के कुंदुज शहर में शुक्रवार को शिया मस्जिद में नमाज के दौरान जोरदार धमाका हुआ, जिसमें तकरीबन 100 लोगों की मौत हो गई है और 25 घायल होने की खबर आ रही है। नमस्कार, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल फुलझड़ी में। जैसा कि आप जानते हैं, तालिबान शासन में पहला बड़ा हमला 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुआ था और तब से अब तक लगातार अफगानिस्तान और काबुल डर के साए में जी रहे हैं। तालिबानियों का नरसंहार आखिर कब तक चलेगा, ये कोई नहीं जानता है। अफगानिस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस समय यह धमाका हुआ, मस्जिद में करीब 300 लोग मौजूद थे। कुंदुज के उप पुलिस प्रमुख मोहम्मद ओबदा ने बताया है कि मस्जिद में मौजूद ज्यादातर लोग मारे गए हैं। वह इतने बड़े धमाके की पुष्टि सूचना और संस्कृति के डिप्टी मंत्री जबीउल्लाह मुजाहिद ने की है। जबीउल्लाह मुजाहिद ने हमले की जानकारी देते हुए बताया कि आज दोपहर में कुंदुज के खानाबाद बंदार इलाके में शिया मस्जिद को निशाना बनाकर आत्मघाती हमला हुआ है। इसमें हमारे देश के कई शहीद भी हो गए हैं और कई घायल हुए हैं। इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली है। मस्जिद में धमाके के बाद हर तरफ बस खून ही खून आ रहा है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि नमाज अदा करने के दौरान उन्होंने विस्फोट की आवाज सुनी, चारों ओर अफरा तफरी मच गई थी। अफगानिस्तान में ISIS लंबे वक्त से शिया मुस्लिमों पर हमला करती आ रही है। हमें देखने के लिए धन्यवाद। हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।